आप में से कितने लोगों ने ये सुना है कि 18 से कम गुण मिलते हों तो शादी नहीं हो सकती, या फिर अगर लड़का या लड़की में से कोई मांगलिक है तो शादी नहीं हो सकती। दिस इज अ वेरी कॉमन स्टेटमेंट विच वी हैव बीन हियरिंग इन आवर कल्चर, इजंट इट? पर क्या मोबाइल एप्स या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से कुंडली मिलान करना इनफ है? क्या कुंडली मिलान करना इतना आसान है कि इट इज ऑन आवर फिंगर टिप्स? आज की नई जनरेशन मोबाइल एप्स पे और सॉफ्टवेयर्स पे, कंप्यूटर्स पे अपने डिटेल्स डालती है और कुंडली को मिलाती है, और उनको कुंडली मिलान के रिजल्ट्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि किसी के 18 गुण मिल रहे होंगे या 22 या 24 या 26, और वो समझते हैं कि बस इतना इनफ है। पर क्या उन्हें ये पता है कि एस्ट्रोलॉजी के कुछ ऐसे सूत्र हैं, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिन पे बेस्ड हम ये पता लगा सकते हैं कि आपकी शादी वाकई में 100% सक्सेसफुल होगी या नहीं, क्या आप खुशहाल जिंदगी बिताएंगे एक साथ की नहीं? तो बिना उन सूत्रों के जाने या बिना उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करे क्या हम इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि दो इंडिविजुअल्स एक दूसरे के साथ जब एक विवाह के बंधन में बनते हैं, एक सेक्रेट इंस्टीट्यूशन में आते हैं, तो वो सक्सेसफुली उस लाइफ को, उस मैरिड लाइफ को बिता पाएंगे? आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करने आई हूँ, इसी के ऊपर रोशनी डालूंगी। एंड हियर आई एम योर एस्ट्रो एडवाइजर रीना शर्मा, एंड आई वेलकम यू टू परमाक्ष एस्ट्रोलॉजी। सी, एप्स के थ्रू या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स के थ्रू मैच मेकिंग इज जस्ट 15-20% ऑफ द गेम। जब हम अपने बच्चों की या अपनी जिंदगी किसी एक दूसरे इंडिविजुअल के साथ बिताने के लिए या उसके साथ अपनी पूरी लाइफ को इन्वेस्ट करने के लिए देखते हैं, तो हम इस पॉइंट को इतना लाइटली क्यों लेते हैं? आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी क्रूशियल पॉइंट। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू रियली टेक केयर अबाउट, और ऐसे ही सिर्फ एक गठबंधन में नहीं बंध जाना। ये मेरा अपना मत है, मैं इसे ऐसा मानती हूँ कि हमें मैच मेकिंग को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। गुण मिलान के अलावा और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो कि हमें ध्यान में रखने होते हैं जब मैच मेकिंग की जाती है। मैच मेकिंग इज नॉट जस्ट अबाउट गुण मिलान, कि आपने सॉफ्टवेयर में गुण मिला दिए एंड यू आर डन विद इट। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, इट डजंट वर्क लाइक दैट। आपको गुण मिलान के अलावा ये भी देखना होता है कि लड़का या लड़की, उन दोनों की नेचर आपस में मिलती है कि नहीं, क्या वो फिजिकल लेवल पे और मेंटल लेवल पे कंपैटिबल हैं, क्या वो एक दूसरे की फैमिलीज के साथ कंपैटिबिलिटी दिखा रहे हैं, क्या वो कहते हैं ना कि घर को लेके चलेंगे कि नहीं, विल दे बी एबल टू रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंड द फैमिली ऑफ देयर इन लॉज या नहीं, या वो वंश चला पाएंगे आगे कि नहीं। और उससे भी ज़्यादा सबसे बड़ी चीज़ हम जो देखते हैं, वो देखते हैं आज से 10 या 15 साल बाद, जब उनकी शादी को 10-15 साल हो जाएंगे, उस पीक टाइम पे, उस समय जब उनके करियर का, उनकी लाइफ का पीक होगा, उस समय क्या वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, सपोर्ट कर पाएंगे? ऑल दीज थिंग्स आर सीन अलॉन्ग विद गुण मिलान। गुण मिलान इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। हम जो गुण मिलान करते हैं वो एक टोटल मैच मेकिंग का छोटा सा पार्ट है। इसी चीज पे मैं बार बार इंसिस्ट कर रही हूँ, क्योंकि वी नीड टू सी एंड चेक कि वो दोनों एक दूसरे के लिए कितने फॉर्चुनेट हैं, एक दूसरे के साथ कितने सपोर्टिव हैं इन द लॉन्ग रन। एंड व्हेन वी सी ऑल दिस, फिर उसके बाद हमारा ये डिसीजन पक्का हो जाता है। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ग्रीन या रेड सिग्नल दे सकता है आपको, क्योंकि उन दोनों की कुछ आने वाली दशाओं को भी देखा जाता है, उनका भी आंकलन किया जाता है, जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि आने वाला जीवन कितनी पॉजिटिविटी लेकर उनके लिए आ रहा है। सो दिस इज डन वेरी वेल विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी। In most of the cases, astrology has answers and exceptions to the bad combinations present in the horoscopes for taking care or for seeing marriage. When we are seeing marriage in the horoscopes, there are certain bad combinations or there are certain doshas. For example, manglik dosh, jiske upar main pehle hi video bana chuki hoon. There are exceptions and combinations जिनमें ये पता लगता है कि मांगलिक दोष तो अपने आप natural तरीके से कट गया और वो हमें नहीं पता होता, तो हम मांगलिक दोष की वजह से अच्छे अच्छे रिश्तों को अपने हाथ से जाने देते हैं। उसका मैं लिंक यहाँ ऊपर दे रही हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, कोई चाहे तो उस वीडियो को जाकर देख सकता है और अपने डाउट्स क्लियर कर सकता है। एस्ट्रोलॉजी के मैच मेकिंग में हम मेनली किस चीज़ पे फोकस करते हैं? कोई भी एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर किस बात पे फोकस करेगा? हम ये देखते हैं कि जो कमी एक जातक के हॉरोस्कोप में है, क्या उसका तोड़ या उसका एंटीडोट दूसरे जातक के हॉरोस्कोप में है? अगर वो कंपैटिबिलिटी है, इट्स जस्ट लाइक कि क्या
उस ताले की चाबी दूसरे हॉरोस्कोप में है, इफ वी फाइंड दैट देन इट्स अ गुड मैच। और यही वजह है कि मैंने 18 सिर्फ 18 गुण मिलने वाले लोगों की भी शादियां बहुत अच्छी चलती हुई देखी है, और वहीं दूसरी तरफ 24 28 34 गुण मिलने के बावजूद भी शादियां बहुत ही नेगेटिव नोट पे टूटती हुई देखी है। मेरा मानना है कि एस्ट्रोलॉजी एक बहुत गूढ़ विद्या है, ये ऐसी डिवाइन साइंस है विच इज वेरी रिच एंड वेरी एक्यूरेट। तो अगर ऐसा कुछ है कि आपके पास कोई ऐसा एक रिश्ता आया है जिसमें सिर्फ मांगलिक दोष या गुण मिलान की वजह से आप उस रिश्ते को छोड़ रहे हैं, तो प्लीज गिव इट अ थॉट। सिर्फ मांगलिक दोष या क्योंकि गुण कम मिल रहे हैं एक रिश्ते को छोड़ना इज नॉट द राइट मेथड। अगर कोई ऐसा रिश्ता है जहां गुण नहीं मिल रहे हैं या कोई और प्रॉब्लम है, तो उसका समाधान एस्ट्रोलॉजी में होता है। प्लीज बेनिफिट फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी एंड यूज इट एज अ गाइडिंग फोर्स। आई होप यू हैव लाइक्ड दिस वीडियो, यू हैव फाउंड इट इन्फॉर्मेटिव। I am just here to provide you with authentic information regarding astrology and the myths regarding astrology. So, agar aapko ye video pasand aaya hai, ye aapka apna channel hai, please go ahead and subscribe it, like it and share it and make this channel successful and keep me motivated so that I keep on giving you information which is authentic and which is useful to you. And thank you for watching this one. Thank you for your time. Namaskar.